आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन हमसे बोला है कि स्ट्रेट वायर ऑफ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर एंड करंट 1 एम्पीयर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर वायर ऑफ 1 mm डायमीटर कैरिंग द सेम करंट। ठीक है, मतलब हमने बेसिकली जो उसका वायर का डायमीटर है वो डबल कर दिया, तो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फार अवे विल बी व्हाट। ठीक है, तो हमारा एक स्ट्रेट वायर है ना, स्ट्रेट वायर से बहुत दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, राइट। तो हमारा एक वायर से बहुत दूर हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, है ना। ये हमारा उसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है बहुत दूर, मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए भी हमारी यही होती है, और एक वायर से बहुत दूर अगर किसी पॉइंट की बात करें तो उस पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमारी ये होती है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो है ये हमारी r जो यहाँ पे डिस्टेंस है, राइट। तो हमने डायमीटर उसका डबल कर दिया वायर का, ठीक। तो डायमीटर डबल करने से क्या होगा, मतलब ये जो टर्म है ये डायमीटर से इंडिपेंडेंट है ना, मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारे डायमीटर पे डिपेंड ही नहीं करती। अगर हमारा करंट सेम है और डिस्टेंस सेम है तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारी सेम रहेगी, तो हमारा जो आंसर है वो बी आ जाता है, सेम एज अर्लियर। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।